हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमन रियल ब्लॉगिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और कल है करवा चौथ, तो बस उसी की सारी तैयारियाँ चल रही थी। तो मेरी बहन लगा रही है मेहंदी, क्योंकि एक दिन के बाद तो उसने पहले दोनों हाथों में मेहंदी लगा ली। खाना वगैरह करके बाद में बनाऊंगी, पहले मेहंदी लगा लेती हूँ जब तक सूख जाएगी, इसके बाद सारा काम करूंगी। तब तक ही रच जाएगी, तो वही मेहंदी लगवा रही थी। और इतनी ज़्यादा मार्केट में भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा, हर सामान कॉस्मेटिक सामान के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो सारा सामान लाई है, अभी गए थे सब लोग मार्केट पहले, फिर वहाँ से सारा सामान ले करके आए हैं। तो इसके बाद फिर वो लगवा रही है मेहंदी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब तो सुबह सुबह सर्दी पड़ने लगी है, तो सुबह उठे थे और जब उठने के बाद फिर चाय वाय बनाई, इसके बाद नहाए धोए पूजा किया और बस मैं बना रही नाश्ता। तो मैंने कहा कि क्या बनाऊँ, तो सब्जियाँ वगैरह जो भी थी, शिमला मिर्च, गाजर, मूली, टमाटर और बंदा गोभी, सब सारा सामान काट के मैंने कहा मिक्स वाली सब्ज़ी बना देती हूँ सूखी। तो बस वही मैं जल्दी जल्दी काट रही थी और वही बनाने की तैयारी कर रही थी। और हम लोग पहुँच गए हैं मार्केट, ही देख सकते हैं आप लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी मार्केट में। दो तीन से तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ चल रही थी। तो बस हम वहीं पर बैठे हुए थे, बहन खरीद रही थी चूड़ी लेके, सब सारा सामान आ गए थे। तो बस मैंने कहा चलो कर लेते हैं घर की सफाई। तो ये सामान वगैरह तो एक्स्ट्रा पड़ा था, तो मैंने कहा जाला लग गए थे कहीं कहीं, तो फिर वही जाले की सफाई कर रहे थे। और कपड़े जो भी गर्म कपड़े थे, मैंने कहा निकाल के एक दिन धूप दिखा देती हूँ उनको भी। तो बस वो कपड़े सारे निकाल के रख रही थी, और जो गर्मियों वाले कपड़े थे उनको तय करके मैंने कहा इनको ट्रॉली बैग में बंद करके रख देंगे ऊपर, और बाकी गर्म कपड़े निकाल लेते हैं। तो बस उसी की तैयारी में लगे थे, हमने कहा ये भी काम निपटा लेते हैं। इसके बाद बहुत दिनों से सोच रही थी ब्लॉग बनाने के बारे में, लेकिन बना ही नहीं पा रही, टाइम ही नहीं लग पा रहा, फिर याद नहीं रहती, ऐसे ही कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो फिर मैंने कहा आज बना लेती हूँ ब्लॉग और डाल देती हूँ।
तो फ्रेंड्स मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, तो मैंने कहा शाम को भी लगा दी एक बार, सुबह लगा देती हूँ एक बार शाम को, तो थोड़ा बहुत जो कूड़ा कचरा था वो भी साफ़ हो जाएगा। तो उससे चादर वादर सही कर दी है, क्योंकि दिन में जैसे बैठे बैठे रहते तो चादर सिकुड़ जाती, तो मैंने कहा उसको सही कर देती हूँ और लगा देती हूँ झाड़ू जल्दी जल्दी। तो बस इसके बाद जो और काम है वो कर लेंगे, बस। तो शाम का टाइम हो गया है और नेक्स्ट दिन है, देख सकते हैं आप। ये फ्रेंड्स तो हम गए थे खेतों में शाम को टहलने, तो ये देखे वहीं पे बाजरे के खेत हैं, बाजरे की फली बहुत लगी थी, बहुत सारी चिड़िया उड़िया सब बैठी हुई थी वहीं पर घूम रही थी, तो वहीं पे खेत पे टहलने गए थे सब लोग। और इसके बाद था बर्थडे बगल में, तो फिर वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए, तो फिर वहाँ मैंने छोटा सा मैंने वहाँ पर ज़्यादा फोटो वगैरह नहीं खींची थी, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा है तो वो भी डाल देती हूँ। तो वो सब लोग आए हुए थे, क्योंकि वो भी रिलेशन में ही हम लोगों के, तो सब लोग गए हुए थे वहीं पे बर्थडे में। और इसके बाद फिर हम लोग गए मूर्ति देखने के फ्रेंड्स। तो ये नवरात्रियों से मैंने थोड़ा क्लिप बनाया था नवरात्रियों का, नवरात्रियों के बाद फिर उसमें शरद पूर्णिमा और इसके बाद फिर गरबा चौथ का है ये। तो बस फिर हम लोग गए थे मार्केट, वहीं पे नवरात्रि में मूर्ति माता रानी के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। तो बहुत ही रात 9 दिन तक बहुत ही ज़्यादा चहल पहल रही और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा चारों तरफ। ये देख सकते हैं आपको बहुत भीड़ थी वहाँ पर, हम क्योंकि हम लोग आरती के टाइम गए हुए थे, तो भीड़ इकट्ठा हो रही थी धीरे धीरे करके, और 12 बजे तक तो चलता ही रहता है वहाँ पर प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स माता रानी के दर्शन करके हम लोग आ गए थे, और ये दूसरे दिन था उसके, मतलब परिवत द्वीज के बाद दूसरे तीसरे दिन फिर हम लोग गए थे, हमारे यहाँ पे कुष्मांडा देवी है वहाँ पर गए थे मंदिर, तो घटमपुर में, तो बस हम गए थे सब लोग कुष्मांडा देवी, तो वहीं पर बैठे हुए थे, तो हमने कहा चलो। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन ये है कि सुबह सुबह गए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि चौथी नवरात्रि होती है वो कुष्मांडा देवी का दिन ही होता है, तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम लोग जल्दी गए थे, सुबह 6 बजे ही गए थे ट्रेन से, तो वहाँ पर 6:30 बजे पहुँच गए, 6-7 बजे पहुँच गए थे वहाँ पर, तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हम लोग अच्छे से दर्शन कर लिए थे और प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया था। इसके बाद हम लोग थोड़ी देर वहाँ पर बैठे थे, प्रसाद खाया पानी पिया, तो वहीं पे पंडित जी बैठे हुए थे, तो वहीं पे हम लोग उनसे बातचीत करने लगे और वहाँ बैठ गए, और कुछ सामान वगैरह लेना था हमारे साथ में जो गए हुए थे उनको भी, वहीं थी तो पड़ोस में रहती हैं ये भी, तो इनको कुछ सामान लेना था, तो फिर हम लोग वहीं मेला टाइप का लगा हुआ था, तो वहीं इन्होंने सामान खरीदा और चलता माता रानी के दर्शन किए। फिर दर्शन करने के बाद ये सामान है खरीद रही थी, तो वहीं पे हम लोग बातें कर रहे थे। और इसके बाद फिर हम लोग ट्रेन से ही, क्योंकि ट्रेन का टाइम 1 बजे का था, तो फिर हम लोगों ने दर्शन कर लिया और घूम लिया, मेला वगैरह जो लगा हुआ था वो सारा घूम के, फिर अब हम थोड़ी देर में वापसी के लिए आने के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये है मंदिर कुष्मांडा देवी का, यहाँ पे बहुत भीड़ थी, लेकिन हम लोग जल्दी गए थे तो दर्शन हो गए थे अच्छे से, और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई थी, लेकिन दोपहर में जाते तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी वीडियो बनाने की डालने की, लेकिन नहीं बना पा रही थी किसी कारण से, कुछ ना कुछ काम लग जा रहा था, तो बस इसलिए मैं नहीं बना पाई, तो मैंने कहा बन गया है वीडियो। इसके बाद हम बैठ गए, ये देखिए फिर हम आ रहे हैं घर, ये देखिए, और हम दर्शन करने के बाद अब लौट रहे हैं घर के लिए।
करती हूँ। ब्लॉग एंड बाय, बस यू, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं।